आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जब हम नक्षत्रों के बारे में बात करते हैं तो हम नक्षत्रों का स्वभाव से मनुष्य का स्वभाव जानने की चेष्टा करते हैं। नक्षत्र मनुष्य का स्वभाव भली बाती बताते हैं, लेकिन साथ ही मनुष्य के जीवन में क्या घटना कैसे कब घटेगी यह भी बताते हैं। यह तो हमें मालूम है क्योंकि विंशोत्तरी दशा नक्षत्रों पर स्थापित है, लेकिन किस प्रकार की घटना घटेगी और उसका क्या रूप निकलेगा, इसका एक बहुत ही सुंदर दर्शन हम कर सकते हैं तारा बलम के द्वारा। तारा बलम से हमें नक्षत्र का न केवल स्वभाव अपितु उसके किस प्रकार से एक क्रमांक पूरा आएगा हमारे सामने यह भी हमें ज्ञात हो सकता है। तो चले देखें तारा बलम का इवेंट, यानी कि कोई भी जीवन में कोई घटना किस प्रकार घटती है, उसमें क्या योगदान होता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम ये बताते हैं कि तारा बलम किसे कहते हैं। तारा यानी कि नक्षत्र, बलम यानी बल। तो इन नक्षत्रों को किस प्रकार बल प्राप्त होता है, ये 27 नक्षत्र को जब हम सूची में डालते हैं, क्रमांक रूप से डालते हैं आपके जन्म नक्षत्र से या लग्न नक्षत्र से, तो ये एक सूची तैयार होती है जिस प्रथम नक्षत्र को, जिसमें कि आपका चंद्रमा या लग्न विद्यमान हो, उसे जन्म, उसके बाद संपत्त, उसके बाद आने वाला नक्षत्र विपत्त, क्षेम, प्रत्यारी, साधना, नैदना, मित्र और अतिमित्र कहा जाता है। इन सभी को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्रमांक, फिर वापस जो नक्षत्र आता है 10, 11, 12, 13, 14, 15 और एक तीसरी सूची तैयार होती है 19 से लेकर 27 तक। तो यदि आपका जन्म नक्षत्र अश्विनी है तो अश्विनी से लेकर अश्लेषा तक प्रथम सूची में, मघ से लेकर ज्येष्ठ तक द्वितीय सूची में, और मूल से लेकर रेवती तक तृतीय सूची में। यदि आपका जन्म नक्षत्र आद्रा है तो आद्रा से लेकर स्वाति चित्रा तक, स्वाति से लेकर धनिष्ठ तक, और सद्भीष से लेकर मृगशिरा तक, ये 3 सूची तैयार होती है। अब ये बता दें कि जन्म यानी कोई नक्षत्र ने यदि आपके लग्न के साथ ही कोई और उसी नक्षत्र में कोई और प्लैनेट यानी ग्रह विद्यमान हो तो उनका जन्म का संबंध होता है, और ये संबंध कुछ बहुत सुंदर नहीं होता। वह प्लैनेट या वह ग्रह अपनी अपने दशा में बहुत कुछ फल नहीं दे सकता। यदि इसका संबंध चंद्रमा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो या विपत्त प्रतरी नैदिन्य के रूप में हो। आगे चलते हुए हम जब एग्जाम्पल देखेंगे तो हम इसको और क्लैरिफाई कर सकते हैं। संपद यानी जो दूसरा हो, संपद से हमें संपत्ति प्राप्त होती है, संपदा प्राप्त होती है। विपत्त से, जैसे कि ये शब्द कहा जाता है, बताता है, विपत्तियां आ सकती हैं और मनुष्य को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शेम यानी कि जो आपका भार भली भांति आपका भार सहने के योग्य हो और आपका भार सहते हुए आगे बढ़े, तो ये नक्षत्र हमें हमारा भार ग्रहण करता है, हमारा भरण पोषण करता है और आगे लेकर जाता है। अरि का अर्थ होता है शत्रु, और प्रत्यरि का अर्थ होता है जो प्रत्यक्ष रूप का जो शत्रु होता है, जो हमें पीड़ा पहुंचाता है, हमें तकलीफ पहुंचाता है। साधना यानी कि कोई भी साधना करने से जो हमें सिद्धि प्राप्त होती है, हम में जो जिन प्रतिभाओं का उद्गमन होता है, वह साधना नक्षत्र से प्राप्त होता है। नैदन्य यानी कि मृत्यु के समान पीड़ा या मृत्यु भी कहा जा सकता है, और इसमें बहुत सारी मनुष्य को तकलीफों का बीड़ा उठाना पड़ता है। मित्र हम सब जानते हैं कि एक बहुत ही हमारे साथ खड़े रहने वाला और हमारे हर दुख सुख में काम आने वाला ये एक नक्षत्र होता है, लेकिन इससे भी अति मित्र का बहुत बड़ा प्रभाव होता है क्योंकि ये हमें किसी से भी एक प्रेम से जोड़ता है, और जो कि आध्यात्मिक प्रेम होता है, और ये हमें एक ऊंचे स्तर की ओर लेके जाता है। इन सब पे बहुत डिटेल में बात होगी, बहुत डिटेल में चर्चा होगी, लेकिन क्लास में, क्योंकि यहाँ समय कम होता है। तो जब हम बात करते हैं विवेकानंद जी के ऊपर। विवेकानंद जी का जन्म नक्षत्र हस्ता था और उनका जो चंद्रमा है वह हस्त नक्षत्र में विद्यमान है,
धस नक्षत्र का विमशोत्र दशा स्वामी भी चंद्रमा ही है। लग्न नक्षत्र पूर्व आषाढ़ा है और लग्न नक्षत्र के स्वामी शुक्र है। यदि हम एक समय का करें ध्यान दें, जब यदि हम उनका जुपिटर महादशा यानी कि गुरु की महादशा में जुपिटर गुरु की का अंतर देखें और शुक्र का प्रत्यंतर देखें, तो हम बता सकते हैं कि उनका जीवन किस प्रकार उस समय में कैसा गुजरेगा, और हम ये भी बता सकते हैं कि गुरु की महादशा उनके लिए क्या क्या ला सकती है। चित्र नक्षत्र जो है वह चंद्रमा से द्वितीय स्थान यानी संपत का संबंध बनाए हुए है, उन्हें संपत्ति उन्हें संपदा प्राप्त होती है। लग्न यानी कि पूर्व अषाढ़ा लग्न से यदि हम जब हम बृहस्पति की गणना करेंगे, जिस नक्षत्र में बृहस्पति है उसकी गणना करेंगे, तो हमें 22 अंक मिलेंगे, और ये 22 को यदि जब हम जोड़े तो हमें 4 मिलते हैं। 4 यानी शेम, शेम यानी यह नक्षत्र उनका भरण पोषण करेगा और उनकी जीविका को और भी सरल करेगा। जुपिटर यानी बृहस्पति उनके लग्न का स्वामी है और उनके चतुर्भाग यानी माँ और मातृभूमि का कारक भी बन जाता है और स्वामी भी बन जाता है। यह एक समय को उस समय को दर्शाता है जब उनको अपने ऊपर लोग उनके ऊपर मान करेंगे। चतुर्भाव क्योंकि जनता का भी भाव होता है, जनता उनका स्वागत करेगी, उनका उनको सम्मान देगी, और क्योंकि जुपिटर यानी बृहस्पति उनके एकादश भाव में है तो उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण होने में समय नहीं लगेगा। अब हम देखें कि इस समय क्या हुआ था। ऐसा हुआ था कि स्वामी विवेकानंद जी को शिकागो बुलाया गया था, जहां एक बहुत बड़ा धर्म सम्मेलन हो रहा था। वहां पहुंचने में उनको कठिनाइयां तो हुई, क्योंकि उस समय यातायात के साधन इस आज के दौर के जैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत ही हिम्मत करके वो वहां पहुंचे और उन्हें केवल 2 मिनट दिया गया स्पीच देने के लिए। प्रथम बार इतनी बड़ी सभा, 7,000 लोगों की सभा को वो संबोधित कर रहे थे, तो उनके मन में थोड़ी सी कंपन हुई, लेकिन माँ सरस्वती को ध्यान रखते हुए और उनको प्रणाम करते हुए जब उन्होंने अपना स्पीच अपना वाक अपनी वाक शक्ति का प्रयोग किया और कहा सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो 2 मिनट तक उन 7,000 लोगों ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई, उन्हें 2 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन मिला। और उसके बाद जो उन्होंने जो स्पीच दी वो आज की तारीख में गूगल में भी वन ऑफ द मोस्ट लिसेंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीचेस में आती है। तो ये समय जो था, हम वापस देखेंगे, ये समय था 11 सितंबर 1893 और उसके जो जुपिटर यानी कि बृहस्पति का की महादशा, बृहस्पति की अंतरदशा और वीनस का प्रात्यंतर दशा चल रही थी। जब दोनों ही जुपिटर यानी कि बृहस्पति की महादशा और अंतरदशा हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाधाएं आएंगी, क्योंकि वो दोनों जन नक्षत्र पर ही आ जाते हैं। जन एक ही जगह है, एक ही प्लैनेट है, तो एक ही एनर्जी पे वाइब्रेट करेंगे, यानी कि उन्हें कुछ जाने में पहुंचने में बहुत प्रॉब्लम्स हुई और अपने आप को एक स्तर पर लोगों को बताने में भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई। ये तो हमें मालूम पड़ा कि क्या रिश्ता होगा और नक्षत्रों का आपस में एक साथ, और इसके द्वारा ग्रहों का क्या संबंध बनता है, ग्रह एक दूसरे के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं और किस रंग से आगे बढ़ाते हैं। यदि इसमें और भी रंग डालने हो तो हम बात करेंगे जो ग्रहों के देवताओं की, बुध के शुक्र के जो देवता है, क्योंकि शुक्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है तो उनके देवता है आपके विश्व देवता। विश्व देवता इस पूरी विश्व के जो समस्त शक्तियां हैं उनका सम्मेलन है, और जो सत्य अहिंसा प्रेम दृढ़ पर होकर आगे बढ़ेगा और सही मूल्यों के लिए अब सिद्धांतों के लिए जीवन में खड़ा होगा, यह नक्षत्र उनकी सेवा सहायता जरूर करते हैं।
तो देखें कि क्योंकि आगे बढ़कर स्वामी विवेकानंद जी ने इन सभी मूल्यों को अपने जीवन में अपनाया था, तो शुक्र जो कि एक आपको ख्याति के भी देवता है, क्योंकि ये प्लैनेट यानी कि ग्रह है, क्योंकि ये द्वितीय भाव में है, विद्यमान है, तो बहुत सुंदर उनको उसका रंग मिला। अब चित्रा नक्षत्र की ओर देते हैं। चित्रा नक्षत्र के देवता हैं विश्वकर्मा, और विश्वकर्मा हमारे समस्त संसार ही नहीं, हमारे समस्त विश्व के ब्रह्मांड के रचिता माने गए हैं। और उन चित्र नक्षत्र एक उस पिक्चर या उस छवि को भी दर्शाता है जिसको देख के लोग मुग्ध हो जाते हैं, अपने देश, अपनी भारतीय संस्कृति को, अपनी मातृभूमि की जो जो सुंदर बातें हैं लोगों तक पहुंचाना, और उन तक यह बताना कि यह प्राचीन संस्कृति में क्या क्या गुण है, क्या क्या रहस्य है, और किन सभ्यताओं और ये सभ्यता किन गुणों पर आधारित है, इसका बीड़ा स्वयं जब स्वामी विवेकानंद ने लिया। और बृहस्पति जो उनके लग्नेश हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, एकादश भाव में बैठकर दुनिया को पूरा एक नया रूप दिखाया भारतवर्ष का, और अपनी सभ्यता पे मान करने का हम सभी को विवेकानंद जी ने एक अवसर दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मारी क्यूरी का एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन हमें यह भली भांति समझ आता है कि जब हम ताराबलम के अनुसार देखते हैं कोई भी स्थिति, तो हमें अच्छे से ज्ञात हो जाता है कि हमें किस प्रकार के फल मिलेंगे। और द्वितीय बार हमें जब उन नक्षत्रों के देवताओं के बारे में मालूम होता है, तो किस तरह से और किस रूप में ये आगे बढ़कर हमारी सहायता करेंगे, हमारा जीवन संपन्न करेंगे, ये भी हमें ज्ञात होता है। देखते रहें, अपना सुझाव भेजते रहें, ताकि हम भी कुछ नया प्रयत्न करके आपके सामने